हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग एंड थेवरी समझाऊंगी, यानी सादी सलवार की ड्राफ्टिंग एंड थेवरी समझाऊंगी। सादी सलवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें सलवार की लंबाई लेनी होती है, जो हमारी 42 इंच है। कमर 32 इंच है, हिप्स 34 इंच है, मोहरी 7 इंच है, यानी हिप्स का तीसरा हिस्सा में 1 इंच प्लस करेंगे, यानी हिप्स जितने हैं उसको 3/3 करेंगे तो हमारा आएगा 11.5। 11.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच आएगा। अब इसकी मेथड जान लेंगे, यानी विधि। मेथड विधि, इसे बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। सलवार हमारी सादी सलवार बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा लगता है। उसको हमें इसके लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड किया जाता है। जब हम सब सलवार बनाते हैं जब हमें कपड़ा 4 फोल्ड करना पड़ता है। इसमें आपको पूरी लंबाई में से 8 इंच का बेल्ट माइनस कर देना है, जो हमारी लंबाई उसमें 8 इंच माइनस करना है और उसमें 3 इंच प्लस कर देना है। जैसे हमारी लंबाई है सलवार की 42 इंच, उसमें हमें 8 इंच माइनस करना है तो हमारा आएगा 34 इंच। 34 इंच में हमें 3 इंच प्लस करना है तो हमारा आएगा 37 इंच। बेल्ट के लिए हमें 8 इंच का बनाना है तो हमें उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा टोटल 10 इंच आएगा। 10 इंच की हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है जब हम कटिंग करेंगे। अब हम इसकी सादी सलवार सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग समझ लेंगे। देखिए, इधर इसका फोल्ड साइड है, जो कपड़ा है हमारा जिसको हम 4 फोल्ड करेंगे, इसका इधर फोल्ड साइड है और ये म्यानी की तरफ से हमारा ये ओपन साइड है। सलवार की लंबाई 42 इंच है, 42 इंच में हम 8 इंच माइनस करेंगे। किसके लिए? बेल्ट के लिए माइनस करेंगे और उसमें माइनस करने के बाद 34 इंच आएगा। 34 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 37 इंच आएगा। तो 37 इंच की लंबाई ले लेंगे, पूरी ऊपर से 37 इंच की लंबाई ले लेंगे। लंबाई लेने के बाद हम ऊपर से जो हिप बताइए यहाँ पे से हम म्यानी लेंगे, म्यानी की लंबाई जो हमें हिप्स म्यानी के लिए हमें हिप्स का तीसरा भाग करना है, यानी हिप्स को हम 3/3 करेंगे तो हमारा आएगा 11.5। 11.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच की हम लंबाई लेंगे म्यानी की और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमें शेप दे देना है। उसके बाद म्यानी का शेप देने के बाद हमें ये नीचे से जो लंबाई है इससे हमें मोहरी बनानी है। मोहरी हमारी 7 इंच की है तो 7 इंच की मोहरी बनाएंगे और मोहरी में हम कोई सा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे मैंने ट्रेंगल शेप दिया हुआ है। अब ये मोहरी को हम म्यानी से, जो म्यानी है उसको मोहरी से मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें सलवार की ड्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद हमें ये ऊपर हमारी सलवार हो गई। सलवार के लिए हमें बेल्ट भी बनाना होता है तो बेल्ट के लिए हम जान लेंगे कि हमें कितना लंबा बनाना है। बेल्ट हमें 8 इंच का बनाना है। 8 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। 8 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा जब हम सलवार बना लेंगे तो हमारा 8 इंच का बेल्ट बन जाएगा। हिप्स जितने हिप्स हैं, यानी 34 हिप्स है, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो 38 आएगा। 38 इंच का हमें बेल्ट बनाना है। तो इस तरीके से हम सिंपल सलवार की कटिंग कर सकते हैं। मुझे यकीन होगा कि आपको सिंपल सलवार की ड्राफ्टिंग एंड थेवरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए